हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि अजय की इजी रेसिपीज। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पास्ता, वाइट सॉस पास्ता। ये बड़ों को क्या बच्चों को सभी को बहुत पसंद आता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हम एक पैन में बटर लेंगे। मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून बटर के आसपास लिया है। बटर के अंदर हम डालेंगे अपने चॉप्ड गार्लिक। यहाँ मैंने 5 से 6 गार्लिक की कलियाँ ली हैं, उन्हें बारीक काट के इसे हम थोड़ी देर सॉट करेंगे। और अब यहाँ पे हम फाइनली चॉप्ड कैप्सिकम, ग्रीन एंड रेड बोथ हम डालेंगे। एक एक है मैंने ली मीडियम साइज़ की। इसको थोड़ी देर सॉट करेंगे हम कुछ मिनट। और हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून ऑरिगैनो और इसको हम थोड़ा सा सॉट करेंगे, हिलाएंगे, मिक्स करेंगे। और साथ ही हम डाल देंगे नमक। नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे। ध्यान रखिए हम जिसकी सॉस बनाएंगे उसमें भी हम सॉल्ट डालेंगे। और साथ ही हम डाल देंगे काली मिर्च 1/4 टीस्पून और इसको हम साइड पे रख देंगे। अब हम अपना पास्ता बॉईल करेंगे। इसके लिए मैंने 5 कप पानी को उबाला है और उसमें मैंने थोड़ा सा नमक, उबलते हुए पानी में नमक, इतना हमें बॉईल करना है पानी। और साथ में डाला है मैंने इसमें 2 चम्मच तेल। और इसमें मैं 1 कप पेने पास्ता लूँगी। आप कोई भी पास्ता ले सकते हैं अपनी चॉइस का। और एज़ पर इंस्ट्रक्शन ऑफ द पैक हम इसको पकाएंगे। और इसके बाद जब ये पक जाएगा हम इसका पानी ड्रेन कर देंगे और इसको कोल्ड वाटर से क्लीन करके साइड पे रख देंगे। देखिए इस तरह से। अब हम इसकी सॉस बनाएंगे। सॉस बनाने के लिए मैंने एक पैन में 3 टीस्पून बटर लिया है इस तरह से। अब इस बटर के अंदर हम डालेंगे अपना 1 टेबल स्पून मैदा यानी कि ऑल पर्पज़ फ्लावर। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसके अंदर 1 कप दूध डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। और ध्यान रखेंगे कि ये लम्प्स ना फॉर्म हो। जल्दी से हम मिक्स करेंगे। बैचेस में डालेंगे दूध। और ये देखिए इस तरह से आप इसकी कंसिस्टेंसी खुद एडजस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा या कम दूध डाल के। हम इसमें अब डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच ऑरिगैनो और 1/4 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, नमक और काली मिर्च अपने स्वाद के अनुसार, क्योंकि हमने वेजीज़ को भी सॉट किया है उसमें भी हमने ये दोनों चीज़ें डानी हैं। इसे हम मिक्स करेंगे इस तरह से। इसमें हमने थोड़ा ग्रेटेड चीज़ डाला है। आप कोई भी चीज़ लीजिए उसे ग्रेट करके डालिए। एगलेस मेयोनीज 2 टीस्पून, एक अच्छा टेक्सचर और फ्लेवर देती है इस सॉस को। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं थोड़ा दूध डाल के, अगर आपको ज़्यादा रिच और घना चाहिए या आपको थोड़ा थिन चाहिए, या आप पे डिपेंड करता है। आप इसमें डालिए बॉइल्ड पास्ता इस तरह से मिक्स करेंगे। और साथ ही हम डाल देंगे अपनी सॉटेड कैप्सिकम इस तरह से। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर इसको मीडियम फ्लेम पे हम कुक करेंगे, 1 या 2 मिनट, एंड देन इट्स रेडी टू सर्व। इसे प्लेट करेंगे। इसे हम इस तरह से डालेंगे और ऊपर से हम गार्निश करेंगे इसको कुछ चिली फ्लेक्स और ऑरिगैनो के साथ, एंड इट्स रेडी टू ईट। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।